जनता जनार्दन बैठी है, इसलिए पूरे प्रदेश में उपस्थित हमारे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के कटनी से पूरे मध्य प्रदेश की धरती को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, कटनी में उस दिन विस्तार से मैंने अपनी बात रखी थी, मैं केवल दो तीन मिनट कटनी की बात करूंगा और फिर प्रदेश की चर्चा भी करूंगा। कटनी में जो विकास हुआ है, आज कटनी का जो स्वरूप जनता जनार्दन को दिखाई दे रहा है, आप गवाह हैं, वो विकास कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अगर विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बताओ, कांग्रेस ने कभी विकास के लिए इतना पैसा दिया था क्या? जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? कांग्रेस ने विकास को 15 महीने में विनाश में बदल दिया था। आज हमारी उम्मीदवार बहन ज्योति दीक्षित जी और हमारे पार्षद के भी सभी उम्मीदवार यहां हैं, पूरे प्रदेश के भी हमारे मेयर के उम्मीदवारगण और पार्षद के हमारे उम्मीदवारगण आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आज मैं कटनी वालों और पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आपको ये वचन देता हूं, मध्य प्रदेश के शहरों को हमने काफी आगे बढ़ाया है। इंदौर स्वच्छतम शहर है हिंदुस्तान का। अर्बन डेवलपमेंट में मध्य प्रदेश आज देश में नंबर एक के स्थान पर खड़ा है। मेरी कटनी वासियों से भी अपील है, कटनी कस्बे से नगर बना है, अब महानगर बनने की दिशा में जा रहा है। और आज मैं कह रहा हूं, इस टाइम अध्यक्ष जी जो यहां के सांसद वो भी बैठे, 10 साल में कटनी इंदौर और भोपाल से मुकाबला करेगा बिजनेस, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। क्योंकि चाहे यहां बस, चाहे यहां एयरपोर्ट का सवाल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का सवाल हो, वो काम गिनाने की जरूरत मुझे नहीं है, सबकी योजना हमने बनाई है। और ये कटनी के बहनों भाइयों से तो अपील है कि कटनी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पार्षदों को जिताएं। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सचमुच में अद्भुत नेता है। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, वरदान। मोदी जी के नेतृत्व में, एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताजिया बजाएं। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। केवल अपने देश में नहीं, दुनिया में आज मोदी 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 के नारों का उद्घोष होता है। और मोदी जी का जो नगरों के लिए मंत्र है, उनका पहला मंत्र है हर नगर राज्य के विकास का चेहरा बने। उनका दूसरा मंत्र है यहाँ जीना, जीवन जीना सभी के लिए आसान हो। तीसरा मंत्र है हर नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिले। उनका चौथा मंत्र है शहर के आकार भले ही बढ़ जाएं, लेकिन असमानताएं नहीं बढ़नी चाहिए। और उनका पांचवा मंत्र है शहर ऐसा हो कि वहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इसके लिए हमने जो रोड मैप बनाया है मध्य प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपके मामा शिवराज ने जो रोड मैप बनाया है, मैं वो आज पूरे प्रदेश को बता रहा हूं। मेरे प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, ऐसे शहर जो अपने आप में संपूर्ण हो और विकसित हो, संपूर्ण हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, सुरक्षित हो, समृद्ध हो और विकसित हो, ये हमारा संकल्प है। अब बहुत कम समय में इसमें से एक एक बात की मैं व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। स्वच्छता का मतलब आप जानते हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। सफाई का, सुंदरता का अर्थ आप जानते हैं, लेकिन सुरक्षित के मामले में आज मैं पूरे प्रदेश के नगरवासियों को यह कहना चाहूंगा, सुरक्षित का मतलब या आधी रात के बाद भी कोई बहन बिना किसी डर के सड़कों पर घूम सके। और एक संकल्प हमारा
ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहां किसी ने अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। गुंडे, बदमाश, दादा, माफिया, उनको एक तरफ से हमने ठिकाने लगाया है। और अपनी बहनों से बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी ने गलत नजर से किसी बहन और बेटी को देखा तो मामा का बुलडोजर चलेगा और उसको साफ और तबाह कर देगा। बेईमान और बदमाश बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे किसी भी कीमत पर, सुरक्षित शहर। और दूसरी बात, अपना मध्य प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा तुष्टीकरण की नीति के कारण दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबके साथ, सबके विकास की बात करते हैं, सब पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन कोई देशद्रोही होगा, आतंकवादी होगा, राजस्थान की तरह किसी को गला काटने की इजाजत मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्ततम कार्रवाई करेंगे। सुरक्षित शहर मतलब शांति का टापू, यहां आतंकवाद, नक्सलवादी और आतंकवादियों को कोई जगह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। हमारे शहर सुरक्षित होंगे। फिर हमारा ऐसा शहर, हमारे शहर जहां कोई भूखा ना रहे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं पार्षद के सब उम्मीदवारों से पूरे प्रदेश में कह रहा हूं, अपने प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो फ्री राशन गरीबों को देने का काम किया है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रदेश की सरकार, हम भी 5 किलो गरीबों को राशन देते हैं। आज सब पार्षद के उम्मीदवार नोट कर लो, नोट कर लो, कांग्रेस ने तो कभी फ्री राशन दिया नहीं। बताओ, गरीबों को फ्री में राशन कांग्रेस ने दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस गरीबी हटाओ की बात करती रही, गरीब ही हटा दिए, इनको तो दे ही रहे। लेकिन जो गरीब रह गए हो, मैं ज्योति से भी कह रहा हूं और ज्योति के साथ साथ पार्षद के उम्मीदवारों से भी कह रहा हूं, पूरे प्रदेश के नगरी निकाय के उम्मीदवारों से कह रहा हूं, अपने अपने वार्ड में जाना, जो गरीब है, राशन जिनको नहीं मिल रहा, उनकी सूची बनाना, आवेदन दिलाना। जितने गरीब फ्री राशन से वंचित है, सबके नाम फ्री राशन की सूची में जोड़ के फ्री में राशन दिया जाएगा। आप बताओ, कटनी और पूरे प्रदेशवासियों से पूछ रहा हूं, गरीब को फ्री में राशन मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? तो कोई भूखा ना रहे का मतलब गरीब को फ्री में राशन मिले, कोई भूखा ना रहे। और दूसरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्रदेशवासियों, जिम्मेदारी के साथ आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, कोई बेघर बार ना रहे। मेरी बात का मतलब समझे, कोई बिना घर के ना रहे। और उसके लिए दो काम जो संकल्प के रूप में आज मैं कटनी की पवित्र धरती से व्यक्त कर रहा हूं, सुन लो रे गरीब बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, अपना प्लाट नहीं है, कहीं भी टपरिया डाल के रह रहे हैं, वो सताए जाते हैं, वो परेशान किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आपका मामा आज ये कह रहा है, ऐसे सभी लोग जिनने बरसों पहले अपना घर बना लिया है, छोटा मोटा टूटा घास घास फूस का, उनको स्थाई पट्टे देके उस जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में ये अपने संकल्प का प्रकटीकरण कर रहा हूं। तो बेघरवार का मतलब, नंबर एक, जमीन का टुकड़ा उनके पास हो। ग्रामीण क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत हम प्लाट देंगे। और बेघरवार का दूसरा मतलब कि उस जमीन पर उनका बड़ा भव्य बंगला ना बने, लेकिन छोटा मकान बन जाए। बनना चाहिए कि नहीं सबका मकान? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो नगरी चुनाव के माध्यम से ये संकल्प है हमारा कि हर गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। शहरों में हम मल्टी बना के उसमें फ्लैट देने का काम भी करेंगे। ये कोई गरीब बेघर बार ना रहे, इसका मतलब ये है। और कोई, तीसरी बात भी मेरी सुन लेना, कोई
बेरोजगार ना रहे। रोजी रोटी तो सबको चाहिए बहनों और भाइयों। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं तो रोजगार के मामले में एक डेढ़ साल में 1.25 लाख भर्तियां तो सरकारी नौकरियों में की जाएगी। हमारे बेटे बेटी जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी पढ़ाई करने का काम करेंगे। नंबर दो, आज जगह जगह कटनी में भी और रीवा में भी हमारे हाट ठेला वाले, हमारे गुमटी वाले, सब फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले तख्ती लिए थे, धन्यवाद, हमें पीएम स्वनिधि का पैसा मिल गया। मेरे सभी पार्षद मित्रों से मैं कह रहा हूं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी गरीब हाट ठेला वाले हैं, फुटपाथ पर सामान बेच के अपना व्यवसाय करने वाले हैं, उनकी सूची बना लो, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दो। सारे ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को पीएम और सीएम स्वनिधि के अंतर्गत 10,000 रुपया बिना ब्याज का काम धंधे के लिए दिया जाएगा। लगभग 9 लाख लोगों को प्रदेश में दे चुके हैं। जितने बचे हैं उनमें से कोई वंचित नहीं रहेगा। उनका छोटा मोटा काम धंधा जारी रखने के लिए उनको ये पैसा दिया जाएगा। 9 लाख को दे चुके हैं और ये भी दे दिया इसमें, जो 10,000 वापिस कर देगा साल भर में उसको 20,000, जो 20,000 वापिस कर देगा उसको 50,000। शहर रोजगार के इंजन बन जाए और गरीब को भी बिना ब्याज का पैसा मिल जाए। और तीसरी चीज, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, तुम्हारे लिए शासकीय नौकरियों के अलावा भी जो अवसर उपलब्ध है, एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत योजना चालू हो गई, 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन तुम्हें 1 से 50 बिना गारंटी के 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, तुम्हारा मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, ताकि अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यवसाय काम धंधा चालू कर सको। और चौथी चीज, उद्योग और दूसरी चीजें लाके शहरों में निर्माण की गतिविधियां बढ़ा के हम मजदूर और गरीब बहनों और भाइयों को रोजगार देने का काम करेंगे। ऐसे शहर जहां कोई बच्चा अनाथ ना घूमे, जितने शहर है नगरी निकाय हैं सब में वो बच्चे जो सड़कों पे कई बार यदा कदा रेलवे स्टेशन इत्यादि पर भीख मांगते मिलते हैं, उनको ससम्मान पुनर्वास करेंगे, आश्रय स्थल बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और पढ़ाई लिखाई के बारे में एक बात और मैं कह रहा हूं, देखिए कमलनाथ जी ने और कांग्रेस की सरकार ने हमारी सारी योजनाएं बंद करके बड़ा अपराध और पाप किया था। उन्होंने कई योजना बंद कर दी, वो सब बताने का समय आज मेरे पास नहीं है। माताओं बहनों को जन्म के पहले 4,000 बेटा बेटी के और जन्म के बाद 12,000 देते थे, उन्होंने वो योजना बंद कर दी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम शिक्षा का स्तर ठीक करने के लिए सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ कर रहे हैं। कटनी में भी सीएम राइज स्कूल खुलेगा, एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ रुपया में बनेगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां लैब होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, वहां कंप्यूटर होगा, वहां खेल का मैदान होगा और बसें होंगी जो बच्चों को लेने केवल शहर में नहीं गांव में भी जाएंगी और स्कूल सवेरे लेके आएंगी, शाम को घर वापस छोड़ के आएंगी। और प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण व निःशुल्क प्रदान की जाएगी, ताकि गरीब से गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ सके। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज, जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। और तीसरी चीज ध्यान से सुन लेना, सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, सबका साथ, किसी को हमने नहीं छोड़ा है। ध्यान से सुनना, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। अगर गरीब से गरीब के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी पढ़ने के बाद उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी आईआईएम में होगा, किसी और यूनिवर्सिटी में होगा,
मैनेजमेंट के कोर्स में होगा तो फीस बहुत ज्यादा रहती है। मैनेजमेंट के जो कोर्सेस होते हैं प्रतिष्ठित कॉलेजों के, वहां 20-40-50-50 लाख रुपया भी होती है। बताओ उतनी फीस क्या गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं? जोर से बोल के बताओ, भरवा सकते हैं? तो उनकी ये फीस अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। एक सामाजिक क्रांति है। मैं सभी नगरों की जनता से कहना चाहता हूं अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाने लिखाने का काम करें और उनकी जिंदगी सुरक्षित बनाए। ए धन्नु पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटे भी बड़े पदों पर पहुंचेंगे, तुम्हारे बच्चों के सपनों को मामा मरने नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म नहीं होने देगी। ऐसे शहर न केवल गगनचुंबी अट्टालिकाएं नहीं होंगी या बिल्डिंग तो होंगी, लेकिन साथ में गरीबों के लिए भी उन शहरों में स्थान होगा। ऐसे शहर जो सीमेंट कंक्रीट के जंगल नहीं होंगे, वहां सैन्य स्नेह प्रेम और आत्मीयता की भावनाएं हिलोर लेती होगी। ऐसे शहर जहां स्टार्टअप हम बड़े पैमाने पर प्रारंभ करके हमारे नौजवानों के पास आइडियाज होंगे तो उनका पूरा करने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। ऐसे शहर जो संपूर्ण रूप से विकसित होंगे, सारे नगरीय निकायों में, आज मुख्यमंत्री के रूप में मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सड़कों का निर्माण हो, सीवेज का सिस्टम हो, मतलब मल जल को पाइपलाइनों से ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके और बाद में शुद्ध करके पानी बाग बगीचों में दिया जाएगा, तो सीवेज का सिस्टम, पीने का पानी का इंतजाम, ऑडिटोरियम, अच्छे बस स्टैंड, अच्छे उद्यान, अच्छे पार्क, योगा के केंद्र, ये पूरे मध्य प्रदेश के शहरों में प्रारंभ करेंगे और हर शहर में गरीब को सस्ता भोजन मिलेगा, 10 रुपया में भरपेट रोटी मिलेगी, भरपेट भोजन मिलेगा, ताकि गरीब भी अगर शहर में आए तो पूरी मजदूरी भोजन में न लग जाए। कई बसें शहरों में प्रारंभ हो गई है, बेहतर परिवहन की व्यवस्था होगी, हम और बसें खरीद के शहरों में गरीब के लिए परिवहन की व्यवस्था को आसान करने का काम करेंगे। मिशन नगरोदय, यह हवा में बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की सरकार थी तो वो हमेशा कहती रहती थी, कमलनाथ यही कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं बहन और भाइयों, देखो पैसा तो लाना पड़ता है, ये तो इतना आसान काम है, कोई मुख्यमंत्री कहते मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ऐसे मजबूर आदमी को मुख्यमंत्री बना के क्या करोगे? मुख्यमंत्री वो है जो कह दे, असंभव शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है, पैसा नहीं है तो लेके आऊंगा। और आज आपका मामा पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, विकास के लिए भी पैसा है और जनता के कल्याण की योजनाओं के लिए भी पैसा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यहां बैठे, मिशन नगरोदय के अंतर्गत एक दिन में 21,000 करोड़ रुपए के काम पूरे मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने का फैसला हमने किया। कितने हजार करोड़ के? 21,000 करोड़ के, सारे शहरों के लिए और कटनी के लिए भी। मैंने उस दिन भी शायद बताया था, हमने अमृत 2 के अंतर्गत हमने कटनी के लिए 85,58,00,000 रुपए की व्यवस्था कटनी अकेले के लिए की है, सारे शहरों के लिए की है 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। तो एक विकास के लिए धन की और पैसे की कोई कमी अपने पास नहीं है, और इसलिए मिशन नगरोदय को हम सफल बना के और अपने शहरों के संपूर्ण स्वरूप को परिवर्तित करने का काम करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के काम करेगी, वहीं दूसरी तरफ जनता की जिंदगी बदलने का काम भी करेगी। एक बात और जो पूरे प्रदेश की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कई गरीब शहरों में अपना मकान बना के रहते हैं, मैं जीवन भर की कमाई अपना पेट काट काट के बचाते हैं और छोटा मोटा प्लाट खरीद लेते हैं, प्लाट पे मकान बना देते हैं,
बाद में सरकार कहती है ये अवैध कॉलोनी है। आज साफ सुन लें, जहां अपने खून पसीने की कमाई लगा के लोगों ने ऐसी कॉलोनी बनाई है वो अब अवैध कॉलोनी नहीं होगी, ऐसी सारी कॉलोनी वैध कर दी जाएगी। वहां सड़कें बनेंगी, वहां बिजली लगेगी, वहां पीने का पानी आएगा, वहां विकास के सारे काम किए जाएंगे। जितनी भी ऐसी अवैध कॉलोनी है वो वैध कर दी जाएगी। और पट्टों का जो सवाल है, कई जगह हमने जो हमारे सिंध से विस्थापित होकर भाई बहन आए थे उनको पट्टा देने का काम किया है। जो शेष बचे हैं, चाहे सिंध से आए हुए भाई बहनों, चाहे अन्य कोई और भाई बहनों, उन सबको भी पट्टे दे दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात और, शहरों में सुशासन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है। नगर निगम में, नगर पालिकाओं में कई बार बड़ी परेशानी होती है, बिल्डिंग परमिशन कई दिन लग जाते हैं, नक्शा लेके घूमते रहो, परेशानी होती है। और इसलिए हमने तय किया है कि ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, 23 सेवाएं नगर पालिका की, नगर निगम की हम ऑनलाइन देंगे। मतलब आपको मोबाइल पे ही आवेदन देना है और मोबाइल से ही आपकी सेवा परमिशन आपको मिल जाएगी, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बिल्डिंग परमिशन 15 दिन में बिल्डिंग परमिशन आवश्यक रूप से दे दी जाएगी, और कोई नया अधिकारी ने 16वां दिन लगा दिया तो उस पर जुर्माना करके हर्जाना वसूल के जिसकी परमिशन देर से मिलेगी उसको पैसा दे दिया जाएगा। तो हम अपने नगरों में सुशासन लेके आएंगे। एक जो विजन है नगरों के विकास का भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वैसे विकसित शहर बनाने के काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी है। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को यहां से यह निवेदन करना चाहता हूं, ये सारे काम कहीं मैं नहीं बता पाया समय के अभाव में, सारे के सारे काम हम करेंगे। शहर बनेंगे, विकसित शहर बनेंगे, सुरक्षित शहर बनेंगे, दादागिरी गुंडागर्दी का कोई स्थान कहीं नहीं होगा। लेकिन ये जितने काम मैंने बताए हैं अगर नगरों में करना है तो मुख्यमंत्री नहीं करेगा, प्रभारी मंत्री नहीं करेंगे, विधायक संदीप जायसवाल कटनी में नहीं करेंगे, और शहरों के विधायक भी नहीं कर पाएंगे। ये काम कौन करेगा? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। जो मेयर बनेंगे नगर निगम में वो करेंगे, नगर पंचायत में, नगर पालिका में पार्षद जिनको अध्यक्ष बनाएंगे वो करेंगे। और इसलिए मैं आज पूरे प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि देखो, भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत बनाना, नगर पंचायत में बीजेपी के पार्षदों को चुनना, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनना, ताकि हम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना पाए। और जो 5 नगर निगम जिनमें 13 तारीख को चुनाव हो रहे हैं कटनी सहित, उन 5 नगर निगमों में, यहाँ कटनी में बहन ज्योति दीक्षित को, और 5 नगरों में जो हमारे प्रत्याशी है, जो 4 और नगरों में, उनको आपका प्यार और आशीर्वाद देना। क्योंकि ये बीजेपी के मेयर बनेंगे, बीजेपी के पार्षद चुनेंगे, तो नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष हमारे बनेंगे, तो वो हमारे दिए हुए पैसे का ढंग से उपयोग करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार अपने शहरों को बनाने का काम करेंगे। और कांग्रेस के अगर पार्षद और मेयर और अध्यक्ष बन गए तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूरे प्रदेशवासियों बताना, विकास हो पाएगा क्या? अरे जोर से बताओ, हो पाएगा क्या? ये कमलनाथ जी जैसे नेता मोदी जी को कोसने में पूरा टाइम निकाल देंगे, शिवराज को गाली देने में पूरा टाइम निकाल देंगे। हम कहेंगे सड़क बनाओ, वो कहेंगे हम नाले में पैसा ले जाएंगे, हम कहेंगे ओवरब्रिज बनाओ, वो हम दाएं का कहेंगे वो बाएं जाएंगे, हम आगे बढ़ने का कहेंगे वो पीछे हटेंगे। और भ्रष्टाचार की तो कांग्रेस खान है, आपको पता है, उनके सर्वोच्च नेता भी ईडी के चक्कर लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार का प्रारंभ भी अगर हिंदुस्तान में हुआ तो केवल कांग्रेस ने किया। बताओ, भ्रष्टाचार करने वाली और देश को तबाह और बर्बाद करने वाली
ये कांग्रेस पैसों का सही उपयोग करेगी क्या? जोर से बताओ, करेगी क्या? ये सही उपयोग नहीं करेगी, पैसा पानी में चला जाएगा, विकास अधूरा रह जाएगा। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, अपने शहर के विकास के लिए कमल के फूल की बटन दबाइए और सब योजनाएं जनता तक ठीक से पहुंचाने के लिए कमल के फूल की बटन दबाइए। यहाँ बहन ज्योति दीक्षित जी और बाकी सभी 45 पार्षदों को चुनिए, नगर पंचायत में, नगर पालिकाओं में भाजपा के पार्षदों को वोट दीजिए और बाकी भी शहरों में मेयर भारतीय जनता पार्टी के चुनिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनाइए, भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनाइए और विकास की जवाबदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी वीडी शर्मा जी को सौंप जाइए। बोलिए, सब तैयार हैं?